also doing absolutely fine. This is Isha. And this is Deepak. And welcome back to our channel. So guys, अभी हम सिमलिया में और यहाँ पर एक खूबसूरत सा प्यारा सा रेस्टोरेंट हम लोग को आज दिखा है नजर में आया, क्योंकि हम लोग एक ये रास्ता से गुजर रहे थे तो हम लोग को यहाँ पर अचानक से एक हम लोग ऐसे देख रहे थे, धोनी माही का घर देख रहे थे, तो जस्ट बगल में देखे एक मस्त सा रेस्टोरेंट खुला हुआ है, तो हम लोग सोचे क्यों ना चलो एक बार इसे अंदर जाकर देखते हैं कैसा है। यहाँ पे है एंट्री गेट और यहाँ से शुरू होता है आपका बैंक्वेट हॉल, और ये जो एरिया है ये है आपका किचन सेक्शन, और बाहर से जाओगे ना तो आगे में है रेस्टोरेंट, वो आप लोगों को बाद में दिखाते हैं हम लोग। सो दिस बेसिकली इज द किचन सेक्शन जहाँ पे अपनी फूड प्रिपेयर होने वाली है। लेट्स गिव यू अ शॉट एरिया। अभी जो एरिया है ना ये है बैंक्वेट हॉल, और इसके जस्ट अपोजिट में है वो रेस्टोरेंट, एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, छोटा नहीं बोल सकते, काफी अच्छा एरिया है। एंड इसके जस्ट नियर बाय में है महेंद्र सिंह धोनी का फार्म हाउस है यहाँ पे, एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन यू कैन सी। अभी आप सिनेमैटिक शॉट्स देखो एंड यू विल गेट टू नो कितनी ब्यूटीफुल सी ये प्लेस है। Already enjoyed this view of this beautiful location, and yes, ये यहाँ पे जो ये area है यहाँ पे सारे buffet होते हैं, जैसे भी शादी होगी किसी भी party से booking होती है ना तो यहाँ पे आपको buffet में सारी चीज़ available होते हैं, and yet आप उस side में देखोगे तो आप वहाँ पे बैठ के food को enjoy कर सकते हो, and अगर weather एकदम fantastic होना है यहाँ तो this is the most visit place। और एक चीज़ है ना यहाँ का जो लाइटिंग है ना वो भी जबरदस्त होने वाला है, और ये गाइस ये ओरिजिनल घास नहीं आर्टिफिशियल घास है, और स्पेस काफ़ी देख सकते हो, काफ़ी स्पेसियस जगह है, और शादी करोगे तो मजा आ जाएगा यार यहाँ। हम तो सोचे तुम्हारी शादी के लिए इसी को बुक कर देते हैं। जरूर जरूर। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस ये देख सकते हो, काफी अच्छा लोकेशन है यार, अपने सिटिंग के लिए और फिर ऐसे एंजॉय करने के लिए बेस्ट प्लेस है ना। हाँ थोड़ा सा धूप लग रहा है बट हवा, मतलब रांची का मौसम ऐसा है ना कि आप लोग ऐसा नहीं कि पसीना उसीना निकल जाने वाला है, हम लोग थोड़ा सा सूट कर रहे हैं ना तो थोड़ा सा पसीना आ रहा है बट वैसा कुछ नहीं, शेड है यहाँ पे। हाँ ये जो व्हाइट कलर की कुर्सियाँ हैं वो भी काफी अच्छी दिख रही है, और उस साइड जितना भी रूम है ना वो मुझे लग रहा है कि हाँ बुकिंग होगा जो, और जो सामने दिख रहा है ना वो बैंक्वेट हॉल है। तो हम लोग आए हैं स्पेशली फूड रिव्यू के लिए, तो हम लोग ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमते क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग चुका है, और टाइम गाइज हो चुका है 3 लगभग बज चुके हैं। और गाइज ये जो एरिया है ना ये है डाइनिंग का एरिया जहाँ पर आप बैठकर अपने लव वन के साथ एंजॉय कर सकते हो, खा सकते हो, और ये है रिसेप्शन एरिया, और काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। कैसा लग रहा है तुमको? बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्लेस है, बहुत ही कोजी सी है, स्वीट सी प्लेस है, आप यहाँ पर बैठ के एंजॉय कर सकते हो। ओके गाइस, तो अंदर ना में थोड़ी सी लाइट इशू हो रही थी तो हम लोग यहाँ बाहर में आके आउटडोर ईटिंग एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पे आउटडोर ईटिंग बहुत ही अच्छी थी बाहर में, बहुत ही अराउंड 4 to 5 चेयर्स एंड टेबल्स यहाँ पे पूरे प्रॉपरली लगे हुए हैं, एंड ये सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि ऊपर पूरे ट्री से कवर्ड है तो यहाँ बैठ के फूड को एंजॉय करने बहुत ही मज़ा आने वाला है। एंड our food is finally ready and the food apni aa chuki hai, so let me introduce you to the platter on our table. सो गाइस फाइनली हमारा मील आ चुका है, और ये है तंदूरी चिकन, देखने में काफ़ी लजीज लग रहा है, और ये है पनीर बटर मसाला, काफ़ी टेस्टी ये भी लग रहा है देखने में, और ये जो हम लोगों तंदूरी चिकन मिला है इसके साथ ये चटनी है, और इधर है हमारा बटर नान और साथ में हमारा प्याज। सो लेट्स ट्राई आउट दिस चिकन तंदूरी अलोंग विद दिस ग्रीन चटनी। वाओ कैसा है टेस्ट, मैं भी ट्राई करता हूं, मैं भी ट्राई करता हूं। बहुत ही गजब का टेस्ट है, बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स आ रहे हैं, चिकन जो मैरिनेट हुई है ना यार उसके फ्लेवर बहुत ही एग्जैगरेट हो गए आ रहे हैं, स्पाइसी है, सावरी है, ये सॉल्टी बहुत ही प्रॉपर टेस्ट आ रही है, एंड एट द सेम टाइम इट्स क्विट क्रंची, एंड जो रोस्ट हुई है ना तो रोस्ट होने की जो चाकू की थोड़ी सी लिटिल टेस्ट होती है ना वो भी आ रही है, एंड इट्स क्विट सावरी एट द सेम टाइम। इंस्टेड इसके जितने भी फ्लेवर्स हैं ना वो सारे अंदर तक आ रहे हो, इन योर फर्स्ट बाइट आप प्रॉपरली इसके सारे फ्लेवर्स को टेस्ट कर पाओगे। गाइस फर्स्ट बाइट लेते ही ना चाट मसाला का टेस्ट आ रहा है, और चिकन ना काफ़ी अच्छा से पक चुका है, काफ़ी अच्छा से, क्योंकि
ज़्यादा इसको चबाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है, बहुत ही प्रॉपरली कुक हो गया, बहुत अच्छा से ये तंदूर में पक चुका है। क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐसे भी तंदूर चिकन ट्राई किए तो कभी कभार लगता था ना कि अंदर से पका नहीं है, लेकिन इसका जो मसाला है ना आप लोग अंदर तक देखोगे ना, मसाला अंदर तक जा चुका है और बहुत सही टेस्ट आ रहा है। तो मसाला का जो टेस्ट है ना वो प्रॉपरली पूरे अंदर तक आ रही है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आउटर लेयर में इसकी जो टेस्ट आ रही है वैसा नहीं है, पूरे जैसे जैसे वो इनर कोर में आप टेस्ट करना स्टार्ट करोगे वैसे वैसे फ्लेवर्स और भी अच्छे से वो एग्जैगरेट होकर आएंगे। एंड ये जो ग्रीन चटनी है ना ये बहुत ही स्पाइसी है, बहुत ही तीखी है, ये धनिया पत्ती के थोड़ी सी कर्ड एड ऑन की गई है एंड बहुत ही डिलीशियस लग रही है खाने में। एंड सैलेड क्या चीज़ की बताओ उसके बारे में? सैलेड जो है ना वो है गाजर और प्याज और एक कैबेज है। ऊपर का जो आप लोग टेक्सचर देखोगे ना तंदूर का वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्रंची है, पूरा का पूरा क्रंची है, खाओगे ना तो मज़ा आ जाएगा, ट्राई करो कभी आकर। तंदूरी तो यार मैंने बहुत जगह ही बहुत सारे ट्राई किया है बट इस तंदूर की ना बात ही कुछ अलग है, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर्स में इतनी ज़्यादा टेस्टी से फ्लेवर्स है ना कि अभी तक ये जो तीखापन है ना पूरे माउथ में पूरा है अभी। चाट मसाला है ना वो आ रहा है, चाट मसाला इनफैक्ट साबिनी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर्स है, इनफैक्ट यहाँ पे जब भी आना तो ये तंदूरी चिकन इज अ मस्ट है। मुझे लग रहा है ना ये लोग का सीक्रेट इंग्रेडिएंट एग्जैक्टली, क्योंकि ऐसे फ्लेवर्स ना मैंने सच में कभी ट्राई नहीं किया है कहीं पे भी। जो हमारा सेकेंड डिश है वो है तंदूरी नान और चिकन बटर मसाला, इसे हम लोग ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है। लड़का बहुत अच्छा है लेकिन प्याज खाता है, MSK का डायलॉग है, चलो ट्राई करके देखते हैं। ओके अपनी जो ये बटर नान है वो थोड़ी सी ठंडी हो गई वाइट शूटिंग, एंड अगर मैं बात करूँ इस पनीर बटर मसाला की तो इट हैज़ क्वाइट अ स्वीट सी टेक्सचर है इसकी, बहुत ही स्वीट सी टेस्ट आ रही है, ये बहुत ही बटरी है एंड बहुत ही अच्छे से फ्लेवर्स आ रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, बट इफ़ यू ओवर हियर तो आप ये भी, अगर आप वेजिटेरियन हो, बहुत ही कंप्लेन आती है कि आप लोग नॉन वेज ट्राई करते हो, वेजिटेरियन वेज फूड वो ट्राई नहीं करते हो, तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये ऑफकोर्स आप ट्राई कर सकते हो बिकॉज ये बहुत ही अच्छे से फ्लेवर्स आ रहे हैं। सो गाइस जैसे ही हमने फर्स्ट बाइट लिया ना टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, जो मसाला अच्छे से पक चुका है, अच्छे से भुना हुआ है और क्रीमी क्रीमी लग रहा है ना थोड़ा स्वाद, और जो पनीर है ना हाँ पनीर भी अच्छे से पक चुका है, सॉफ्ट है, नज़दीक से आप लोगों को दिखाऊंगा ना, जब आप तो पनीर को कट करोगे। और यार नान जो है ना थोड़ा सा नमकीन लग रहा है क्योंकि इसके अंदर है ना आप लोग देखोगे तो मंगरेला का यूज़ किया गया है, जिस वजह से नान जो हमारा थोड़ा थोड़ा नमकीन लग रहा है और टेस्ट में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पनीर की बात करें तो पनीर थोड़ा सा टाइट है, थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट, थोड़ा स्टिप है और सॉफ्ट नहीं लग रहा है, बट खाने में ना इसका जो मसाला है वो चार चांद लगा दे रहा है खाने में। तो यार फटाफट से इस व्यंजन को हम लोग कंप्लीट करते क्योंकि भूख काफ़ी लगा हुआ है और हमारा कैमरा सेट और ये फूड प्रिपेयर मतलब सजाते जाते टाइम काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है, बहुत टाइम निकल चुका है, तो मिलते हैं आप लोग से आफ्टर कंप्लीटिंग। हाँ ट्राई करने वाले हैं तंदूरी चिकन जो कि एक इसके साथ एक चटनी मिला हुआ है हरा कलर का, देख लो हरा कलर का ग्रीन चटनी।